मेरे एक मन का विचार है, किसी भी सुखी समाज की कल्पना तब होती है कि समाज का जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है वो कैसे सुखी हो। लेकिन सामान्य व्यक्ति जिसके पेट में तो उस समय का भोजन नहीं पहुंचता, जिसके सिर पर छत नहीं है, जिसके तन पर कपड़े नहीं है, उसको सुखी करना ये बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मेरा नाम पिंकी है और मैं दबखेड़ी गाँव की रहने वाली हूँ। मैं पहले मजदूरी करती थी। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं कोई अपना काम करूं और उसमें मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो सरकार ने सुविधा दी, लोन दिया और हमने अपना काम शुरू किया। सरकार से जो हमें सुविधा मिली है, इससे हमें मनिहारे की दुकान खोली है। उसमें हमने कपड़े भी रखे हुए हैं, कॉस्मेटिक का सामान भी रखा हुआ है और इसमें चूड़ियाँ वगैरह जैसे बुटीक का सामान सब है। मेरा छोटा सा एक परिवार है, एक मेरी गुड़िया है, पढ़ाई करती है, सरकारी स्कूल में जाती है और हम उसको भी यही सिखाते हैं कि वो भी पढ़ लिख कर अच्छा काम करे। हमारे घर परिवार में सभी खुश हैं इस काम से। मैंने अपना काम शुरू किया है, हमें अच्छा पैसा भी मिलता है और काम भी हमारा अच्छा चलता है। गाँव बस्ती में इज्जत भी है हमारी, जैसे आस पड़ोस के सभी आके बातचीत भी करते हैं और सामान भी खरीदते हैं और बच्ची भी हमारी बहुत खुश है कि हमारी मम्मी ने भी कोई अच्छा काम किया है, ऐसे ही हम भी अच्छा काम करेंगे। ये जो खट्टर सरकार ने हमें जो सुविधा दी है अभी, इसका ये जो रोजगार चलाने की स्कीम बहुत अच्छी है, हमें बहुत पसंद आई है ये और हमें इससे बहुत लाभ भी मिला है और इससे हम बहुत अच्छा काम करना चाहेंगे। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यक्ति इस जीवन की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है, आप उसके लिए उसके हित की योजना पहले बनाओ। इस का सिद्धांत का नाम दिया गया अंत्योदय।